और भाई लोग कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आ चुका हूँ मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप में हमें मैसेजेस आ रहे थे भाई तू गेम प्ले ला गेम प्ले ला गेम प्ले ला। तो ये लो भाई मैं आ चुका हूँ एक और गेम प्ले लेकर। और ये गेम प्ले भाई कतई जहर है, कतई जहर जहर प्लस किल्स भी ठीक ठाक हैं और इंटेंस भाई सब इंटेंस का तो लेवल ही हद कर दिया, बहुत इंटेंस है भाई। तो गेम प्ले का बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं उतर रहा हूँ इधर ये मिलिट्री बेस में। तो भाई मेरा फ़ोन तो तुम्हें पता ही है भाई, बहुत ही घटिया फ़ोन है यार, रेंडर ही नहीं होता यार। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ भाई कब रेंडर होता है। तो जैसे ही इमेज फॉर्म होता है तो गन ढूंढते हैं। तुम्हारे भाई को ये एक ही मिलते साथ ही भाई क्या ही तबाही मचाई है भाई, बंदों को क्या ही लपेटा है। अब देखते जाओ भाई, भाई इसके साथ तो कतई स्कैम हो गया यार, ये लूट रहा था बेचारा, मैं कहां से पीछे जाकर टपका गया। तो एक और बंदे के फुटस्टेप सारे इस बंदे को फिनिश करने के बाद इविल किलर अब जैसे ही नॉक होता है देखो उसे क्या ही बचाता हूँ यार, मैं क्या ही बचाता हूँ देखो। और इसके लिए तो लाइक सब्सक्राइब बनता है यार, क्या ही फुल इसका सिर्फ हेड दिख रहा था, मैंने हेड पे ही मार दिया डायरेक्ट। तो M16 OP कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं। तो जैसे मैंने इसको हीलिंग भी दे दी, बेचारे पास हीलिंग ही नहीं था, हीलिंग दे दी मैंने। तो इसको जैसे मैं फिनिश करता हूँ मुझे एक बॉट मिल जाता है रास्ते में। भाई बॉट है भाई हमारी केड़ी बढ़ाते हैं यार, बॉट भाई साहब बॉट मारना जरूरी है भाई, हर एक गेम में चाहो चाहे मरो या जियो पर बॉट तो मारना जरूरी होता है यार। तो मैं अरे निकल जा भाई निकलते नहीं। हाँ तो जैसे मैं जाता हूँ इविल किलर पूरे उसके दूसरे बंदे को भी मार देते हैं। तो मैं तो लूटम लूटिंग करके आगे बढ़ जाता हूँ। उस बॉट को मारने के बाद साइड में थे बंदे, इस बिल्डिंग में एक बंदा था, तो देखो उसे कैसे मारते। उस बंदे को मारने के बाद मैं इस छत में चढ़ जाता हूँ, क्या पता कोई और बंदा बंदा दिख जाए, लूट भी कर रहा था मैं साथ में। तो मैं देख मैं पहले सोचा कि टावर में तो कोई नहीं है, तो मैं जैसे स्कोप खोल के देखता हूँ टावर में, नहीं टावर में तो कोई भी नहीं था। तो कहाँ से मुझे एक M4 का स्प्रे आता है। और अब देखो यार मैं नहीं बोल रहा, देखो देखो क्या ही स्प्रे था यार, क्या ही स्प्रे था तुम्हारे भाई का, क्या ही स्प्रे था। तो मैं इधर फर्स्ट एड लगाते हुए जा रहा हूँ, फर्स्ट एड लगाते हुए जा रहा हूँ। और तब तक तो भाई मेरे टीममेट इविल किलर ने भाई सबको मार दिया यार, मुझे एक ही किल मिला बस। तो इनको मारने के बाद मैं सोचा भाई चल चलो मिलिट्री बेस क्लियर हो गया भाई, हमने भाई मिलिट्री बेस के हम बादशाह हो गए। मुझे क्या पता था भाई और भी बंदे हैं, कहीं से हम लोग को एक DP का स्प्रे आता है, इविल किलर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है। मैंने उसको हेड मारी थी तो वो बहुत ज़्यादा लोगों का यार, बहुत ही ज़्यादा लोगों का। तो मैं सीधा पुश करता हूँ और वो बोलता है कि भाई मेरा हेल्थ कम है थोड़ी देर रुक जा, तो मैं इधर ही लेट जाता हूँ क्या ही होगा। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ भाई, वो कहाँ है कहाँ गया भाई, वो भाई मुंडे दिखा दे ये। मैं तो सोच रहा भाई ये किल तो मैं ले कर रहूंगा,
भाई इसने कहीं से मारा यार, कैसे स्पॉट किया इसको? मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई, मुझे तो स्पॉट ही नहीं हो रहा, स्पॉट ही नहीं हो रहा। ये आके भाई बजा देता उसके कान के नीचे एक। तो अब मिलिट्री बेस पूरा का पूरा ही क्लियर हो चुका था, ये तो मुझे गारंटी से पता चल चुका था। तो अब मैं इधर आता हूँ, तो मैं इसको बोला कि भाई चल ब्रिज कैम करते, मज़ा आएगा भाई, बंदे बंदे आएंगे, गाड़ी से निकाल देंगे भाई। अरे हम लोग भाई यहाँ पर कितनी देर बैठे, और देखो भाई ये और मैं क्या ही भाई, जब तक बंदे नहीं आते तो हम लोग क्या ही बकचोदी कर रहे थे। ये देखो इसको बोलते भाई कते सस्ते नशे भाई, हम लोग तो यहाँ पर रेलगाड़ी चुप 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 करके चल रहे थे भाई, पूरे सांप ऊप बन के भाई हम लोग चल रहे थे। जब तक भाई कोई आता नहीं तब तक हम लोग ऐसे कर रहे थे। तो मैंने सबसे अब इसको बोला इविल किलर, भाई तू जा वो गाड़ी हटा सबसे पहले। तो जैसे ही वो गाड़ी जाके करता है ना, उसको कहाँ से एक डीपी का स्प्रे पड़ता है, तो मैं ऐसे रैंडम फायर करता हूँ क्या कि वो बच जाए करके। ऐसा आप भी कर सकते हो, ये एक ट्रिक है। अगर आपका बंदा कहीं मतलब टीममेट कहीं ओपन में मतलब फंस गया है और उसके सामने बंदे बहुत सारे हैं और फायर कर रहा है, कोई भी बंदे बंदे फायर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, रैंडम फायर कर सकते हो। रैंडम फायर करने से क्या होता है, एक तो आपके टीममेट को कवर मिलेगा, ऊपर से जो मतलब वो जो एनिमी है जो मार रहा है उसको लगेगा कि आप उस पर फायर कर रहे हो। तो ये बहुत सही ट्रिक है यार, बहुत ही ज़्यादा सही ट्रिक है, आप भी यूज़ कर सकते हो अपने मैच में। तो मैं इविल किलर को बुला रहा हूँ, भाई इधर आ जा भाई, तू क्या कर रहा है उधर, कितनी देर कवर दूंगा। वो हील करके आ रहा है। इतने में ही इविल किलर एक नॉक निकालता है, और मैं सोचता हूँ कि भाई फ्लाइंग करते हैं भाई, साइड से जाते हैं, क्या पता एंगल मिले। तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आ जा मेरे साथ, आ जा फ्लाइंग करते करते। अब देखो इनको क्या ही ट्रिक लगा के मारते ये लोग, मतलब तीन बंदे थे शायद मेरे ख्याल से, हाँ देखते जाओ भाई क्या ही मारेंगे इन लोग, भाई क्या ही मारेंगे भाई हम लोग। तो सबसे पहले मैं इधर फ्लाइंग करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्पॉट करने का कोशिश कर रहा हूँ भाई, बंदे कहाँ है तो है कहाँ, स्कोप वूप भी खोल के देखता हूँ नहीं दिखा। तो मैं सोचता हूँ और भी फ्लैंक करते हैं, लंबा वाला फ्लैंक करते हैं। इतने में मैं स्पॉट करता एक सांप मुझे दिख गया, तो चलो उसे मारते हैं। भाई मैं कह रहा यार ये सांप ना भाई कहीं से भी भाई रेंगते 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 जाएंगे भाई जोन टू जोन। इतने में इविल किलर ने मेरा किल कंफर्म कर दिया। तो मुझे आगे एक बंदा स्पॉट होता है, आपको भी स्पॉट हुआ, मैंने मार्क कर दिया कि वहाँ पर बंदे। तो मैं उसको फायर करने का कोशिश करता हूँ, पर फिर बहुत फायर करता हूँ, उसके बाद जाके एक नॉक होता है। तो जैसे मैं एक नॉक करता हूँ, तो मुझे पता था कि वो रेव देने जाएंगे जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ इविल किलर आ जा, हम लोग थोड़ा बहुत मैं हम लोग को टाइम मिल जाएगा कि हम लोग फ्लाइंग कर सकें। ये भाई अब थोड़ी थोड़ा थोड़ा इंटेंस होते जा रहा है मैच, क्योंकि मतलब आगे एक बंदा है, आगे मतलब नहीं एक नहीं दो तीन चार बंदे शायद, एक तो यहीं पर पड़ा हुआ था। तो हम मैं उसको बोलता हूँ भाई आ जा भाई फ्लैंक करते हैं, बंदे बंदे स्पॉट हो जाएंगे फिर मारेंगे। ये आगे मुझे एक हिल दिखता है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई इसी पर ही चलते हैं। बेचारे को कोई रिवाइव ही नहीं देता है, चलो कोई नहीं भाई मेरा किल तो कन्फर्म हो गया। अब उधर एक बंदा बाकी है, तो उनका एक बंदा बाकी के टीममेट मुझे नहीं पता भाई कहाँ ही जाकर सस्ते सुस्ते नशे करने लग गए। तो वहाँ पर एक बग्गी देखो, बग्गी जा रही है, ये हम लोग की आँखों के सामने से बग्गी ले जाए। तो मेरे पास कारण है, ये पिचकारी जैसी गन से भाई मैं क्या ही कर लूँगा भाई, क्या ही कर लूँगा। हाँ भाई मैं इसको बुलाता हूँ भाई पिचकारी, ये सच्ची में पिचकारी है भाई, मतलब नॉक ऊक तो कुछ होना है नहीं है इससे,
मुश्किल से कभी भाई इसका रिकॉइल ही ज़्यादा है, वो भी फ़ोन में इसका रिकॉइल करना विदाउट जायरो। सोचो भाई बहुत मुश्किल होता है कतई में भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो इसको मैं छोड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मेरे साथ चल। और देखो ये जोन प्रेडिक्शन भाई कतई जहर हो गया। आगे सामने घर है, मैं वो दो रेज है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई वहाँ पर चल। तो हम लोग इधर आ जाते तो, और भाई इधर भी देखो इस सिचुएशन में इस ये ना मेरा टीममेट इविल किलर को भाई अभी भी इसको भाई बकचोदी करनी है। ये भाई तू ऐसा कर भाई, तू खुद को ही पैन मार ले, यही सही होगा भाई। मुझे तो मत मार भाई पैन। भाई देखो मैं ऐसे बैठा, अब देखो पैन लेके आके मुझे भाई इतने में बकचोदी कौन करता है भाई ये देखो। अरे भाई तुझे चाहिए क्या, तुझे चाहिए क्या भाई, चाहिए क्या, पैन उन मार रहा है भाई। इतने में आते हैं बंदों के फुटस्टेप्स, तो चलो मारते हैं। यार क्या यार, एक किल तो दे देता भाई, एक किल, दोनों का दोनों किल यही चोरी कर लिया। पर कोई बात नहीं, अब देखना, अब मैं इधर थोड़ी देर लूटा मलाटी करता हूँ। अब एक बंदा M24 लेके मेरे सामने M4+3X, देखते जाओ यार, मैं मज़ा नहीं ख़राब करना चाहता भाई। देखो जैसे मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, मैं देखता हूँ साइड से, देखो सांप का बच्चा वो रहा, ये ले भाई सांप के बच्चे। फिर से भाई एक और किल चोरी। और इस वक्त मेरा दिमाग बहुत गर्म था और तब भी मैंने थोड़ा पेशेंस से काम लिया, क्योंकि भाई हम जोन में नहीं थे और वो भी जोन में नहीं थे जो हाई ग्राउंड लिए हुए। तो मैं थोड़ा रोड प्लैंग करने का कोशिश करता हूँ कि किसी तरह मैं जोन में जाऊँ और इनका जोन काट पाऊँ। तो ये टावर के पास बंदे हैं, मतलब टावर नहीं उस साइड में बंदे हैं और आगे हिल पे बंदे हैं। तो अब मैं देखो भाई, देखो भाई 15% का नोटिस आ गया भाई। हम ऐसे बंदे हो भाई 15% में भाई, वो भी लास्ट रूम में, वाह भाई साहब वाह, कतई जहर। तो सच्चे नशे होते रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी स्पॉट कर रहा हूँ, वो आगे मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, मैं इसको मारने का कोशिश करता हूँ भाई। आ जा, तो तब तक इविल किलर एक नॉक निकालता है। साइड से भी थोड़ा बहुत फायर हो रहा था तो मैंने साइड में थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया, आगे कॉन्सेंट्रेट किया। तो मैं देख रहा हूँ भाई आ जा भाई नॉक निकल, इसको इसका नॉक में थोड़ा फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। और भाई एक M24 का चाटा आता है मेरे सिर पर, वो तो अच्छा हुआ भाई Level 3 अंदर था, नहीं तो मैं उधर ही ढेर था। मैं इसको मारने का कोशिश कर रहा हूँ भाई ज़्यादा, तो अब जोन शिफ्ट ले रहा और हम पर जोन बन रहा है। अब देखो भाई पता ही इंटेंस हो रखा है, साइड में बंदे सारे जोन में मर गए। देखो किल फील्ड में देखो चार के चार बंदे जोन से मर गए भाई, कतई जहर। अब बाकी है सिर्फ एक बंदा और उस एक बंदे को मुझे स्पॉट भी हो गया वो बंदा। अब इसे मारते जल्दी से,